अगर रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो कार्यवाही के लिए रहें तैयार। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने डीजे संचालकों के संघ की बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हां, अगर आप डीजे संचालक हैं या डीजे लगवाने के आयोजक हैं तो यह खबर आपके लिए है। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहाँ पर आज पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने डीजे संचालकों के संग एक गोष्ठी का आयोजन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी करते हुए डीजे संचालकों को शासन द्वारा अनुमन्य ध्वनि व दी गई समय सीमा के अंदर ही डीजे संचालन का निर्देश दिया गया। जिले में डीजे का संचालन करने वाले सभी संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका संचालन अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव के द्वारा किया गया। गोष्ठी में सभी डीजे संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ इस संबंध में दिए गए नियमों व कानूनों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार डीजे को अनुमन्य ध्वनि में संचालित करने तथा रात 10 बजे के बाद डीजे का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की जानकारी दी। साथ ही नियमों का पालन न करने वाले संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। नियमों का उल्लंघन करने के लिए आयोजक और डीजे संचालक दोनों को उत्तरदायी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क पर डीजे बजाना या डीजे को साथ लेकर चलने पर सावधानी बरतने, जिससे संभावित दुर्घटना से बचा जाए, इसका भी निर्देश दिया गया। इस गोष्ठी में लगभग जिले के 200 डीजे संचालक मौजूद हैं, जिनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ क्यों ना फॉलो करें? आप लोगों के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये 10 से 6 वाला